जब निरंजनी अखाड़ा वहां से गुजरा, वहां पर ज्ञानेंद्र तिवारी एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ देखा है दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़ा जो है वो शाही स्नान के लिए निकल चुका है और यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ देखिए किस तरह से ये नृत्य हो रहा है और साधु संत जो हैं वो लगातार खुशी से झूम रहे हैं और इनसे ही समझते हैं कि आखिर शाही स्नान का क्या महत्व है। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज जो है वो निकल रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ साधु संत यहाँ जो है वो नृत्य कर रहे हैं। ये कैसा अवसर है आप लोग नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर जीव अपनी भारत का हर जीव इस कुंभ का आनंद ले और इसमें अपने आप को धन्य करके महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर के अपने आप को धन्य करे। आप लोग नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं शाही स्नान के माध्यम से? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि शाही स्नान के पर्व पर हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं सभी भारतवासियों के लिए यह संदेश है कि सभी सुख समृद्धि से रहें। इस तरफ देखिए आप, यहाँ भी जो है ये जो है नाच गाने के साथ धूमधाम से जो बालकानंद गिरी जी महाराज हैं उनका जो रथ है वो शाही स्नान के लिए निकल चुका है और बड़ी संख्या में साधु संत हैं। और इस तरफ देखिए ये जो नागा साधु हैं ये हाथ में गदा लिए हुए यहाँ से निकल रहे हैं और सभी लोग जो है वो शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। ये पूरा दूर दूर तक जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं और सभी लोग हर हर महादेव के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जिस तरह से शाही स्नान के लिए यहाँ से निकल रहे हैं नागा साधुओं का ये जो दल है वो निकल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर स्वामी जी निकले हैं कहाँ के लिए? संगम पर चलो। ये देखिए संगम के लिए निकल चुके हैं सभी लोग और बालकानंद महाराज जो हैं उनका रथ तैयार है। सबसे पहले नागा साधुओं का जो दल है वो निकल चुका है यहाँ। अच्छा ये समझाइए आपकी कहाँ निकले हैं अभी और क्या महत्व है? श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, हमारे जो भी है जो अभी हम प्रयागराज में श्री कुंभ पर्व का स्नान करने के लिए निकले। ये स्वामी जी समझा रहे हैं ये पूरा जो ये नागा साधुओं का क्या महत्व होता है ये जरा समझाइए। नागा साधु यानी बर्फानी नागा होता है, यहाँ का प्रयागराज का राज राजेश्वरी नागा होता है। अरे राज राजेश्वरी नागा बर्फानी नागा ये पर्व है, आज पर्व के हिसाब से जो भव्य दिव्य रूप से नागा लोग नहाते आते हैं। तो ये जो है संत है साधु संत है वो समझा रहे हैं कि जो नागा साधु है वो जब यहाँ से बालकानंद गिरी महाराज निकल रहे हैं तो उससे पहले संगम के लिए नागा साधुओं का दल निकला है और यहाँ जो माहौल है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से है। बाजे गाजे के साथ बड़ी संख्या में नागा साधु संत, इसके अतिरिक्त जो भी साधु संत हैं वो यहाँ से संगम के लिए रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज प्रयागराज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।